Alright, ladies and gentlemen, the first entrant of this match, ladies and gentlemen, the first entrant of this match, the music. लग कब आप कामयाब करने में आज सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते हैं
क्योंकि आज ये फैन इज अ ट्रिपल चैंपियन और ROS चैंपियन भी है इंक्लूडिंग द ROS टाइटल तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है अदरवाइज इट्स अ वेरी कंपेटिटिव मैच ओवर टू यू आकाश थैंक यू हेदर प्रिंस फॉर जॉइनिंग अस फॉर द कमेंट्री और ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट होगा मैच देख रहे हैं देखते हैं प्रिंस अहमद क्या लाए हैं अगेंस्ट आरजे पेडी आरजे पेडी ट्रिपल चैंपियन तो अपना एक टाइटल डिफेंड करने वाले प्रिंस अहमद अगेंस्ट इस मैच के लिए काफी अच्छे से हम वेट कर रहे हैं सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट कॉलर टाइम से शुरुआत होती है क्या स्ट्राइक से व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट मैं इस बात ये बोलूंगा कि आरजे फैडी मुझे इस मैच से लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है शुरू से और जिस तरह से वो फैंस से अपील भी कर रहे हैं हो सकता है कि आरजे फैडी चाहते हैं आरजे फैडी का गेम प्लान हो कि वो इस मैच को अर्ली ही एंड कर दें लेकिन प्रिंस अहमद भी हमारे फॉर्मर ROS चैंपियन है उनको किसी भी तरह से इस मैच में लाइट नहीं लिया जा सकता है लेकिन प्रिंस एमर्स यार ही इज एग्जॉस्टेड मुझे लगता है ही इज नॉट
तक एक मूव गेम चेंजिंग मूव होती है एंड दिस इज दैट काइंड ऑफ मूव मैच. और यहां थोड़ा सा मुझे लगता है ऑफेंस शो करने वाले फ्रेंड्स लेके उनके ऑफेंस को कंटिन्यूअसली ब्लॉक कर दिया है. लुक एट द शो ऑफ द चैंपियन साइड आरओएस चैंपियन स्टैंडिंग टॉल एंड आरओएस चैंपियन आरजी फेडी इज स्टिल स्टैंडिंग टॉल इन द रिंग. आरजी फेडी You want water? Okay, take water. Okay, absolutely. और मुझे लगता है यहाँ प्यास लगी है उनको. चैंपियन बहुत प्यासे हैं लेकिन जीतने के प्यासे हैं या पानी के मुझे नहीं पता मेरा. सो गिव माय वॉटर बैक. और इतने में प्रिंस एमन यहाँ टोटली हेल्पलेस है. मुझे लगता है यहाँ प्रिंस एमन को इस मैच में वापस आने का टाइम लगता है. यहाँ रेफरी स्टॉप कर रहे हैं ऑब्वियसली रोप्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए इस मैच के अंदर. Now what a nice fireman carry kara lekin yahan escape karte hi this is I think finally coming for a move. Oh what a nice move that was. Nice execution attempted. Prince, I don't know what's wrong with Prince. No. Oh what a toss. Amazing piece of toss in the middle of the ring. Aur ye move kafi puri lagi hai shayad RJ Fedi ko. Ye thoda sa game changing move hogi yani Prince ke liye. बिल्कुल एक गेम चेंजिंग मूव हो सकती है. इसके साथ साथ शाइनिंग विजेट की तैयारी थी प्रिंस एमन की उनको रनिंग नहीं कर दिया फेडी को किसी ना किसी तरह. प्रिंस एमन को Yeah, right.
कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी के इस मैच को जल्दी खत्म करें, क्योंकि आरजे फैडी और उनके जो साथी हैं जैसे कि टेरी और ये गाय कसूर अपना जो है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, रेफरी जो है वो देख नहीं रहे, लेकिन इनके साथ कॉन्स्टेंट नाइंसाफी हो रही है। प्रेम से हम बिल्कुल इस टाइम हमारी आवाम की शक्ल पेश कर रहे हैं और ये पॉलिटिशियंस की, तो जो लेकिन इस मैच को कंटिन्यू करते हुए प्रिंस अहमद ने फाइनली उन दो शैतानों का काम तमाम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन आप देखते हैं कि वो प्रिंस अहमद की उसमें हेल्प करते हैं कि नहीं करते। प्रिंस अहमद रिंग में वापस आने की कोशिश करते हुए क्या वो रिंग में वापस आ पाएंगे और क्या वो इस मैच को जीत पाएंगे, ऑलरेडी उनमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज बर्दाश्त कर चुके हैं वो आरजे फाइटिंग के हाथों, और आरजे फाइटिंग स्माइल कर रहे हैं कहीं से मना कर रहे हैं कि नहीं कर सकते आरजे फाइटिंग को, और जबरदस्त क्रॉस बॉडी फॉर द टॉप रोप, टू काउंट एंड अ किक आउट एंड अ रिवर्सल, रिवर्सल बाय आरजे फाइटिंग, ह्यूज रिवर्सल बाय आरजे फाइटिंग एंड अ रिवर्सल बाय आरजे फाइटिंग, कोशिश करते हुए जबरदस्त कटवर्ड इनटू डीडीटी, प्रिंस अहमद कन्वर्टेड इनटू डीडीटी, डीडीटी में कन्वर्ट कर दिया प्रिंस अहमद, एंड क्या वो पिन की तरफ जाएंगे? हेलो डॉग, थैंक यू फॉर अमेजिंग कमेंट्स मिस्टर हेल, और यहाँ बहुत अच्छा मैच है, प्रिंस अहमद फाइनली शोड सम ऑफेंस एंड बैक टू बैक ऑफेंस यहाँ आ रहा है, आई थिंक ही इंजर्ड हिज लेग, और एक चीज जिसके खतरे की अलामत है वो खान, द प्रेजेंस ऑफ खान एंड डेनी आउटसाइड द रिंग, जो कि पैडी के पार्टनर्स हैं, दे आर बैकिंग अप, दे आर इंटरफेयरिंग कंटिन्यूसली इन दिस मैच। प्रिंस अहमद बेली अपनी टांग पे मूव कर पा रहे हैं, देखते हैं इस मैच को कपीट करेंगे जीतने में कामयाब हो, एंड आई थिंक और यहाँ एक मूव करना चाहते हैं रोप्स का सवाल करते ही, देखते हैं मूव कितने साबित होती है, और आई थिंक ही इज बैडली इंजर्ड, इज नी उनकी नी बुरी तरह इंजर्ड हो गई है, तो यहाँ बहुत डिफिकल्ट होगा इस मैच के अंदर कम्पीट करना, या what is the game plan in the mind of Prince Ahmed, nobody knows what's next, RJ Fetty is barely moving, Prince Ahmed is barely moving, aur yahan ek aap move kar rahe ho aur puri tarah rope se niche gir pade, cause wo jo knee pe attack tha wo kafi sahi sabit ho gaya hai aur yahan kafi confident nazar aa rahe hain, standing as a arrogant champion and RJ Fetty इस मैच को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, और रेफरी इज चेकिंग प्रिंस अहमद इस मैच को कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और यहां आरजे फैडी, ओ नो 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 नो, ये क्या, ओ नो नो नो, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, एक सबमिशन मूव करती है, अ फिगर फोर लेग लॉक अटेम्प्ट करती है उसी इंजर्ड नी पे, और यहां टैप आउट कर पाएंगे या नहीं, टैप आउट करेंगे या नहीं, ओ माय गुडनेस, उसी इंजर्ड नी पर जिस पे चोट लगी थी उसी पे फिगर फोर लेग लॉक कर दिया है, एक हार्ड सबमिशन मूव, और फाइनली प्रिंस अहमद टैप्स आउट, और प्रिंस अहमद ने फाइनली टैप आउट कर दिया है, एंड आरजे फैडी ऑब्वियसली जीत चुके हैं, ऑलरेडी रिगेन दैट टाइटल, सो विन इज द बेस्ट ऑफ दिस मैच एज टू द ROH चैंपियन आरजे किया है आज, और होपफुली कि आप आगे भी सपोर्ट करेंगे और आगे भी हमारे